वो आर्टिस्ट भी थे, टेक्नीशियन भी थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के माहिर थे। आज से नहीं, मैं उनको 1986। और मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो ये था कि 1991 में मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक स्टेज शो किया था, सिनेमा 100, तो वो मेरे कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा शो था। तो मैं सिर्फ नितिन जी को ही याद किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत में कभी भी ऐसा शो नहीं हुआ जिसका स्टेज नॉर्मली 60 फुट लंबा होता है या 80 फुट होता है, और हमने बनाया, नितिन जी ने बनाया 160 फुट का स्टेज 3D, जिसमें हमारी पूरी इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया। 42 स्टार्स थे, 200 म्यूजिशियन, 150 डांसर्स, और सब बड़े से लेके छोटे आर्टिस्ट तक उस शो में मौजूद थे, जो सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा 100। तब से मैं उनको बहुत करीब से देखा, और उन्होंने जो तरक्की की अपने जीवन में सिर्फ अपने सच्चाई, कला, ऑनेस्टी और हार्डवर्क से की। बहुत कम आर्टिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि इतना बड़ा स्थान पाया, उन्होंने इतना इंडस्ट्री के बारे में सोचा कि उनके लिए इतना बड़ा स्टूडियो बनाया और डे नाइट काम किया, और जिस तरह से उन्होंने प्रस्थान किया वो एक बहुत दुखद घटना है, दुखद बात है, आप सबको मालूम है। आज आप विस्लिंग उड आए सब लोग, और खासकर मिसेस नितिन जी को, उनके ब्रदर को, उनकी बेटियों को, दोनों को मेरी पूरी संवेदना है, आशीर्वाद है कि आपको ईश्वर स्ट्रेंथ दे, वो शक्ति दे, और जो उनका विजन है, जो उनके एस्पिरेशन थी, वो आप बेटियां पूरी करेंगी, ये मुझे विश्वास है। संकट आता है सब में, संकट चला जाता है, लेकिन कुछ लोग संकट से घबरा जाते हैं। मैं बहुत आश्चर्य में हुआ क्योंकि मैंने उनसे बड़ा योद्धा देखा ही नहीं था। ही वुड फेस ऑल काइंड ऑफ अपोजिशन, स्ट्रगल्स, क्राइसिस, एंड ही वुड स्माइल ऑल द टाइम। अभी लास्ट मुलाकात भी मेरी पिछले साल हुई थी, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले थे जो कि पिछले 75 साल 1947 पहले क्रांतिकारियों के बारे में, 75 क्रांतिकारियों की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी हमको, तभी मेरी मुलाकात उनसे हुई, और इधर ही विस्लिंग वुड में हुई, और बहुत एक्साइटेड थे कि सुभाष जी आप और हम फिर से मिलके ये प्रोजेक्ट जो है एक मेमोरेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो हमेशा ऊंचा सोचते थे, और हर डायरेक्टर के लिए, हर प्रोड्यूसर के लिए, हर क्लाइंट के लिए, हर इंसान के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, एक प्रेरणा थे। ये बात मैं आपको तहे दिल से कह सकता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम उनको हमेशा मिस करेंगे। ही हैज बीन ए आइकॉनिक फिगर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, एंड ही विल रिमेन द आइकॉनिक फिगर फॉर द इंडस्ट्री। माई All condolences to the family and to the friends and his team. बस हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके विचारों को आगे ले जाके उसको कैसे अपने अपने तरीके से एग्जीक्यूट करें वही कर सकते हैं। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।